हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसपी एजुकेशन। आज वीडियो आम आलोचना करवा एनएमएस परीक्षा 2022 प्रस्तुति पाई विज्ञान विषय कोष गठन और कार्य ए पाठर समस्त मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर माने तुम एनएमएस परीक्षा जो प्रकार प्रश्न गुड़िक आस पाठर से ही सब प्रश्न आज आम आलोचना करवा वीडियो को समस्ते शेष पर्यंत देखु कहीं आम जो पाठटा पढ़वा ना कोष गठन कार्य ये पाठटा तुम अष्टम श्रेणी पर इम्पोर्टेंट अष्टम श्रेणी एनएमएस परीक्षा पे इम्पोर्टेंट नवम श्रेणी आम एनआरटीएस परीक्षा आसपे इम्पोर्टेंट तापर टेन्थ क्लास में पाठ तुम लिंक अच्छे प्लस टू सबुठे पाठटा लिंक अच्छे तेणु कोष गठन कार्य पाठ तुमको आज पूरा भल बुझेबी तार समस्त प्रश्न उत्तर आज वीडियो आम डिस्कसन करवा मैंने अलग किसी पाठ पढ़वानी ए पाठर प्रश्न उत्तर पढ़ा समय ही तुमको पूरा पाठ मुझे बुझेदेवि बुझिपार से समस्ते वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत संपूर्ण रूप देखु आउ ए पाठर जेकोसी प्रश्न आसो ना तुम एनएमएस परीक्षा तुम आराम से अटेंड करके आसपार बुझिपार तो वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व समस्त मन रखु प्रत्येक दिन ठीक राति 9 बेले आम एसपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल रे एनएमएस परीक्षा 2022 प्रस्तुति पाई लाइव क्लास होउछि तुणे क्लास रे समस्ते निहाते अटेंड कर कहीं देखु प्रत्येक दिन 300 अधिक पिला आमर एटी लाइव क्लास अटेंड करछन्ति तेनालीरु सहित तुमको कंपिटिशन करार सुजोग मिल लाइव क्लास रे ता सहित तुम मान स्पीड बढ़ प्रति प्रश्नर उत्तर देवार स्पीड बढ़ जोटा कि एनएमएस परीक्षा पे बहुत बहुत इम्पोर्टाट से समस्ते चेष्टा कर प्रत्येक दिन लाइव क्लास ही अटेंड करने बुझिपार तो स्टार्ट करवा चलो देख प्रथम प्रश्न देख प्रश्न हो एमिबा शरीर बाहर प्रबोध को कौन कह जाए कूटपाद पक्म आक्सन त्वचा ठीक आंसर कौन हम समस्त उत्तर आसवा उचित एमिबा शरीर बाहर प्रबोध को कौन कह जाए आंसर कौन हम टोटल ना पिला माने तुम्हें 60 प्रश्न लेकिन आला गोटे ना कि दीरा ना ये पाठ 60 प्रश्न और सबूजा प्रश्न पूरा खोज खोज नहीं आस मैंने ये बाहर किसी प्रश्न तुम एनएमएस परीक्षा आसवानी बुझिपार तो ये आंसर कौन हम एमिबा शरीर जो प्रबोध बाहर कहुए कूटपाद येस जी भी ऑप्शन ए लिखी समस्ते खुशी हो जाओ कहीं तुम मान उत्तर ठीक अच्छे है एमिबा शरीर जो प्रबोध बाहर कौन बोली कह जाए कूटपाद बोली कह जाए बुझल ऑप्शन ए हूँ ठीक आंसर तो एमिबा कौन एमिबा हूँ गोटे एककोशी प्राणी बहुत छोट है बहुत छोट से जीव तुमको ठीक से गोटे देखा जाए खाली आखिर है शरीर प्रकृति जमी था मझे नष्टि था गोटे कोश से गढ़ा एमिबाटा कि जोबले चलबार दरकार हम जो सी चल कि आउ कौन जीव को खाइब खाद्य समय रे से कौन कर शरीर प्रबर्ध बाहर कर मानने किसी मंस एमती नब एम आगु नब एपटे भी किसी मंस नब आगु नब तक जमीन में फिक्स करदेव कर आगुट घोषाड़ी जीव बुझना के सुंदर भाव में एमिबा चलो खाद्य ग्रहण पर ठीक एक कूटपाद बाहर कर शरीर बाहर से कूटपाद कह जाए से कूटपाद बाहर कर मन कर गोटे छोट जीव गोटे अच्छे तो यह कौन कर दीपाद जॉइंट करदेव जॉइंट करदे सी आगे फिट जा पारे तापर एमिबा कौन कर शरीर भितर शोषित हो एमती कर खाइब सी है ये हूँ एमिबा मन रख एमिबा हूँ एककोशी प्राणी केवल गोटे कोश से गढ़ा आउ एमिबा शरीर जो प्रबर्ध बाहर कह जाए कूटपाद ऑप्शन ए दुई नंबर जो कोश से न्यष्टि झिली ना कि कोश कह जाए जो कोश से न्यष्टि झिली ना कि प्रकार कोश कह जाए आंसर कौन हम शून्यष्टीय प्राकनेष्टीय जीवंत निर्जीव ठीक आंसर हो प्राकनेष्टीय कोष मन रख जदि गोटे कोषर न्यष्टि न्यष्टि झिली ना कहु प्राकनेष्टीय कोष कि कोष प्राकनेष्टीय कोष देख ये आम गोटे जीवकोष मझेरी न्यष्टि अच्छी न्यष्टि न्यष्टि झिली कोड़ा एमती थी ये पतला आस्तरण थी न्यष्टि झिली तो जो जीवकोषर न्यष्टि झिली अच्छी ताको को आज शून्यष्टीय आदि जार ना कह प्राकनेष्टीय तो ये प्रश्न पचार कि जो कोशर न्यष्टि झिली ना कौन कह जाए तुम लिख प्राकनेष्टीय आदि न्यष्टि न्यष्टि झिली अच्छी कहु शून्यष्टीय आंसर हम ऑप्शन बी वंशगतिर एकक काहा को कह जाए वंशगतिर एकक काहा को कह जाए आंसर कौन हम गुणसूत्र जीन रायबोज माइटोकॉन्ड्रिया ठीक आंसर हो जीन वंशगतिर एकक हूँ
जीन है कौन जीन जीनटा पीढ़ी पर पीढ़ी संचरित होता है पिता माता पुत्र सतान को कन्या सतान को आसी थाए पुणी सतान को सीठ पुणी सतान को यहपर भाव जीनटा स्थानांतरित हुए है बाप माँ ठाकुर पु को आस पुठ पु आस पु ता जीव एम जीव बुझ तेना वंशगत एकक कौन वंशगत एकक हूँ जीन ठीक अच्छे। रॉबर्ट हुक परीक्षण में केते वर्ष पर्यंत जीवकोष संबंध में क्वचित कथा जना थिला रॉबर्ट हुक जिते परीक्षा करते तार केते वर्ष पर्यंत जीवकोष विषय क्वचित मैंने बहुत कम कथा जना थिला केते वर्ष पर्यंत आंसर ऑप्शन सी मैंने 150 रॉबर्ट हुक के बाहर करते 1665 मसीह रॉबर्ट हुक 1665 मसीह जीवकोष आविष्कार करते तार 150 वर्ष पर्यंत जीवकोष विषय कौन सी भी सन्धान मिल नाला है तार 165 वर्ष पर्यंत जीवकोष विषय 165 कह 150 150 वर्ष पर्यंत जीवकोष विषय बिल्कुल भी किसी तथ्य जन ना केवल जन था कि जीवकोष अच्छी बोली ठीक अच्छे। तेणु मन रख रॉबर्ट हुक परीक्षण आ 150 वर्ष पर्यंत भी जीवकोष विषय किसी जन ना ठीक अच्छे। से सीने जीवकोष बाहर करदे कि कौन सी वैज्ञानिक किसी भी बाहर करपारे ना जापारे नहीं गाँ ता विषय है तो आंसर अब ऑप्शन सी। मनुष्य रक्त क्यों उपादन टी गोटे कोष से गढ़ा मनुष्य रक्त क्यों उपादन टी गोटे कोष से गढ़ा लोहित रक्त कणिका श्वेत रक्त कणिका अणुचक्रिका क्योंटी नुहे ठीक आंसर कौन हम मनुष्य रक्त क्यों उपादन टी गोटे कोष से गढ़ा मात्र गोटे कोष को नहीं सीटा तैयारी है से किए लोहित रक्त कणिका श्वेत रक्त कणिका अणुचक्रिका ना क्यों नुहे अरे सब पिला कहीं उत्तर दौन समस्त उत्तर आसवा उचित एटा तुम NMS परीक्षार तुम भाव तुम गोटे प्राक्टिस टेस्ट है टेस्ट तुम कमी परफर्म कर जाना उचित ना तुम आंसर दियो आंसर ठीक हो कि भूल हो किसी असुविधा ना जब ठीक हम तुमको खुशी लगे परवर्त प्रश्न उत्तर देखें और जब भूल हम ताल भी भल कता कहीं तुम जापर तुम भूल होटा आउ तार ठीक उत्तर कौन तुम सबुदिन पर्यटन मन रही आंसर दि जी दौन आंसर दे चल कहीं रोज कौन आंसर दे चल समस्ते तेरे आंसर कौन हम मनुष्य रक्त क्यों उत्पादन गोटे कोष से गढ़ा ना से श्वेत रक्त कणिका है मनुष्यर श्वेत रक्त कणिकाटा मात्र गोटे कोष से गढ़ा ठीक अच्छे। आंसर हम श्वेत रक्त कणिका जहाँ कहे WBC WBC मान कौन व्हाइट ब्लड सेल व्हाइट ब्लड कॉर्पसलस एमती कहुए WBC कह जाए। क्षुद्रतम कोषर आयतन केते माइक्रोमीटर क्षुद्रतम कोषर आयतन केते माइक्रोमीटर सबुठ क्षुद्रतम कौन हम आंसर सबुठ क्षुद्रतम कोषर आयतन केते माइक्रोमीटर आंसर हम ऑप्शन सी 0.1 - 0.5 माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर संख्या हूँ म्यू एम है 0.1 - 0.5 मन रखा एटा कौन सबुठ क्षुद्रतम कोषर आयतन बृहत्तम कोषर आयतन केते मिलीमीटर बृहत्तम कोष माने जोड़ा कि सबुठ बड़ कोष तो से ही कोषर आयतन केते तुम्हें से कोष को खाली खेल देखी पार खाली खेल देखी पार देखो है तो से कोषर आयतन केते आंसर कौन हम ऑप्शन ए 170 × 130 मिलीमीटर है 170 × 130 मिलीमीटर मिलीमीटर मान कौन रे मान सेम है मैं सरी मिलीमीटर मैंने तुम 170 मिलीमीटर सेमी कले कौन 17 सेमी होता 130 मिलीमीटर सेमी कले सी कौन हो 13 सेमी हो बुझ तो 17 सेमी गुण 13 सेमी कहीपर कि 170 मिलीमीटर गुण 130 मिलीमीटर बुझ लटा जो सबुठ बृहत्तम कोष कहार क्यों कोष सबुठ बृहत्तम कहल आम खाली खेल देख पार सबुठ बृहत्तम कोष किए से हूँ ओट पक्षीर अंडा है कौन ओट पक्षीर अंडा तार यही आयतन हूँ ये 170 × 130 अंग प्रत्यंग क्या नहीं गठित होता है आम शरीर अंग प्रत्यंग क्या नहीं गठित होता है अंग प्रत्यंग मान कौन हाथ गोड़ आखि नाक कान पटी मुंड है शर भितर आम हृत्पिंड अच्छी फुसफुस अच्छी ये सब जाक क्या नहीं गठित होती सबुजाक टीस्यू अंगिका कोष जीवक लब ठीक आंसर हम टीस्यू ऑप्शन ए सबकि टीस्यू को नहीं या था नंबर 9 गोटे टीस्यू के गठित होता है गोटे टीस्यू
କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଜୀବକୋଷ, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ଲବକ, ରସଧାନୀ। ଟିସୁ କାହାକୁ ନେଇ ତିଆରି? ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କାହାକୁ ନେଇ ତିଆରି? ଟିସୁକୁ ନେଇକି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ହେଲେ ଟିସୁରେ କାହାକୁ ନେଇ ତିଆରି? ଟିସୁ କାହାକୁ ନେଇ ତିଆରି? ନା ଜୀବକୋଷକୁ ନେଇ ତିଆରି। ଯିଏ ଅପସନ୍ ଏ ଲେଖିଛ ତମମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଲ? ତ ଟିସୁ କାହାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? ଟିସୁଟା ଜୀବକୋଷକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ତମମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ବୁଝିଲ? ଟିସୁ କାହାକୁ ନେଇ ତିଆରି? ଜୀବକୋଷକୁ। ତେଣୁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଜୀବକୋଷ ହେଲା, ଜୀବକୋଷକୁ ନେଇ କ'ଣ ତିଆରି? ଟିସୁ। ଆଉ ଟିସୁକୁ ନେଇ କ'ଣ ତିଆରି? ଆମର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତିଆରି, ବୁଝିଲ? ଜୀବକୋଷକୁ ନେଇକି ଟିସୁ ତିଆରି, ଆଉ ଟିସୁ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିକି କ'ଣ ତିଆରି କରନ୍ତି? ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମିଶିଲେ ଆମର ସର ହେଇଯାଉଛି ଆଉ, ହେଲା। ତାପରେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ? କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ? ନଷ୍ଟି, କୋଷ ଜୀବକ, କୋଷ ରସ, ଲବକ। ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଜଲ୍ଦି ଉତ୍ତର ଦିଅ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ? କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ନା କୋଷ ଜୀବକ, କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱାରା କୋଷ ଜୀବକ ଆବୃତ ରହିଥାଏ। ଚିତ୍ର ଦେଖ, ମଝିରେ ନେଷ୍ଟ ରହିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ନେଷ୍ଟଟା? ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ଗୋଲେଇଟା? ସେ ହେଉଛି କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଅଛି ନା, ଏଇଟା କ'ଣ ଅଂଶ? ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଷ ଜୀବକ, ହେଲା। ନେଷ୍ଟି ଏବଂ କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୋଷ ଜୀବକ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କୋଷ ଜୀବକଟା ଜେଲି ଭଳିକା ପଦାର୍ଥ, ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ, ମାନେ ପୁରା ତରଳ ନାହିଁ କି ପୁରା କଠିନ ନାହିଁ, ମଝି ଅବସ୍ଥାରେ ଜେଲ୍ ଖାଇଥିବ, ଜେଲ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ, ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାରର କୋଷ ଜୀବକଟା ଲାଗିବ, ହେଲା। ଆଉ ଏ କୋଷ ଜୀବକ ବାହାରୁ କିଏ ଗୋଳିଛି? କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ ଗୋଳିକି ଅଛି, ସେ ବାହାରେ ଗୋଳଟା ଦେଖୁଛ ନା, ସେ ହେଉଛି କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ। ଆଉ ଏଇଠି ଏଇଟା ଦେଖୁଛ, ମନେ ରଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଳଟା ଦେଖୁଛ ସେ ହେଉଛି କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ଏଇଟା କୋଷ ଜୀବକ। ଆଉ ପୁରା ଯେଉଁ ଛୋଟଟା ଅଛି ମଝିରେ, ସେ ହେଉଛି ନଷ୍ଟି। କୋଷର ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ମନେ ରଖ, ପୁରା ମଝିରେ ନଷ୍ଟି, ହେଲା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଧଳା ଧଳା ପଦାର୍ଥ ଥିବ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଧଳା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ହେଉଛି କୋଷ ଜୀବକ। ତେଣୁ କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ? ନା କୋଷ ଜୀବକ, କୋଷ ଜୀବକକୁ କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖୁଛି। ତ ବୁଝିପାରିଲ ଯେ 10 ନମ୍ବର ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ଏବେ? ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଦେଇଥିବ, କାହିଁକିନା ଏଠି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁନି, ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କହୁଛି, ବାକି ଯଦି କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ପୁରା ବୁଝି ବୁଝି ନେଉଛି। ତ ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ କୋର୍ସ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। NMSC 2022 କୋର୍ସ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାଇ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ମାଇ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ତୁମେ ସବୁ କୋର୍ସ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାଇ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ, ତ ସେଠି ତୁମମାନେ ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବ। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ଆମର NMSC 2022 କୋର୍ସ ଅଛି, ସେ କୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ କରିନେବ, ଠିକ୍ ଅଛି? NMSC 2022 କୋର୍ସରେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିନେବ। ସେ କୋର୍ସରେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କେବେଠାରୁ? ଏଇ October 24 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ହେଲା। October 24 ଠାରୁ ସେଇ NMSC 2022 କୋର୍ସରେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସେଠି ପଢ଼ାଯିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ? ନା ଡେଲି ତୁମମାନଙ୍କର 1 ଘଣ୍ଟା, ପୁରା 1 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ, ମାନେ ମୁଁ ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ ତୁମର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତୁମେ ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବ, ତୁମ ଡାଉଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଠି କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ସରିଲା। ସେକେଣ୍ଡରେ ତୁମକୁ ସେଠି କ'ଣ ମିଳିବ? ନା ସବୁଯାକ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁଟା ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ାଇବି ସେଟା ସେଠି ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇକି ଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ମାନେ ତୁମେ ଧରିନିଅ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ତୁମେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିପାରିଲନି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ରହିବ ସେତେବେଳେ ଆସିକି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ହେଲା। ସେଟା ସେକେଣ୍ଡ ବେନିଫିଟ୍। ଥାର୍ଡ଼ କ'ଣ? ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡେଲି ହୋମ୍ୱାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ, 5-10 ଲେଖାଏଁ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ ନା ତା'ର ସେମିତିକା ରିଲେଟେଡ଼୍ 5-10 ହୋମ୍ୱାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ। ତା ପରଦିନ ସେଇ ହୋମ୍ୱାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବଢ଼ିବ, ମାନେ ତୁମକୁ ଯାହା ପଢ଼ାଇଥିଲି ତୁମେ କେତେ ଦୂର ସକ୍ଷମ, ତୁମେ ସେ ପାଠଟା କେମିତି ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଏଇଟା ତୁମର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ହୋମ୍ୱାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳିବ ତା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ତୁମର ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ୱିକ୍ଲି ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ତୁମମାନଙ୍କର ସାପ୍ତାହିକ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଆମେ ସେ ସାପ୍ତାହିକ ପରୀକ୍ଷା କେତେ ମାର୍କର ହେବ? 20 ମାର୍କର ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ Paper 1 10 ମାର୍କ, Paper 2 10 ମାର୍କ। Paper 1 ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ଏବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ, ତା'ର 10 ମାର୍କ ଆସିବ। Paper 2 ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ଟେଷ୍ଟ, ତା'ର ବି 10 ମାର୍କ। ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ତୁମର ସେଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଆଉ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯିଏ Top 5 ରହିବ ନା, ଯିଏ ବି Top 5 ରହିବ ସେମାନଙ୍କର ନେମ୍, ଫଟୋ ଏବଂ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହାଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳିବ, ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କି ତୁମର ଦକ୍ଷତା କେତେ, କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛ, ସବୁକିଛି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? କେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଲୋ ଅଛ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ
पढ़ाक पड़ो कौटी कौट तुम भूल रोच सब जापर से सब टेस्ट अटेम्प्ट कर द्वारा तुम एक्जाम पूर्व तुमको गोटे फुल लेंथ एक्जाम हो मैंने 80 मार्क विशिष्ट गोटे परीक्षा हो तुम फाइनाल एक्जाम रग्जाम तुम्हें बहुत बहुत बेनिफिट मिले से जानले तुम जापर कि एक्चुअली जो NMS परीक्षा देव तुम से मार्क रोज बुझिपार तो सब इम्पोर्टाट ये सब किसी बेनिफिट तुमको मिले आम से NMS 2022 कोर्स तेना जी भी जॉइन करना जाके जॉइन करनी आमर अक्टोबर 24 तारीख ठार् क्लास स्टार्ट तेना बिल्कुल लेट करनी एवं ही जाकि ये क्लास सर सर कोर्स समस्ते जॉइन करनी। ओके चलो 11 नंबर देखा अब कोष झिल्ली और न्यष्टि मध्य रसाल पदार्थ को कौन कहती कोष झिल्ली और न्यष्टि मध्य रसाल पदार्थ को कौन कह जाए आंसर कौन हम ये माइटोकॉन्ड्रिया रसधानी कोष जीवक लवक ठीक आंसर कौन हम से रसाल पदार्थ जो तुमको कही जेल भल लगे से हूँ कोष जीवक ऑप्शन सी हूँ ठीक आंसर है कोष झिल्ली न्यष्टि ये जो रसाल पदार्थ मझे से हूँ कोष जीवक। नंबर 12 क्यों कोषे बृहदाकार रसदानी थाए क्यों कोषे बृहदाकार रसदानी थाए मैंने रसदानटा बहुत बड़ अटे क्यों कोषे अच्छे प्राणीकोष बीजाणुकोष गालुमणा कोष पियाज कोष ठीक आंसर ऑप्शन डी पियाज कोष रे रसदानी बहुत बड़ बड़ थाए अच्छे तुम गोटे कूप नंबर पेज मोर मन ना बट लेफ्ट साइज उपरे हला ए जीवकोष पाठर होगा गोटे पेज बाहर कर से पेज रो लेफ्ट साइड उपरे थी एटा है गोटे पियाज को अणबीक्ष देखे कौन रसदानी भी बोले गोटे चैप्टर थी से तुमको मिल जाए रसदान टॉपिक रे कौन पियाज कोष आकार सबुठ बड़ मानते पियाज कोष ना पियाज कोष रसदाना सब बड़ रसदानी कौन अठी बुझ ये कोष झिल्ली न्यष्टि यहाँ पूरा कौन कोष जीवक तो कोष जीवक एका किसी थली भली जाए सब है गोल 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 थी सब सी रसदानी से रसदानी गुड़िक सब बड़ कौटे ना पियाज कोषे बड़ बड़ रसदानी अच्छी। ओके चल जा परवर्ती प्रश्न को आ सब सान रसदानी कारण गालुमणा कोषर गालुमणा कोष रसदानी सब सान पियाज कोष रसदानी सब बड़ पत्र खाद्य प्रस्त क्या जो संभव हुए पत्र जो खाद्य प्रस्त होट हो उद्भिद तो से खाद्य प्रस्त क्या द्वारा संभव हो खाद्य प्रस्तुत साहय कर हरितलवक सेंट्रोजम न्यष्टि कौन से नुहे ठीक आंसर कौन हम पत्र खाद्य प्रस्तुत हरितलवक द्वारा संभव होता है हरितलवक यटा हूँ गोटे प्रकार वर्णकणा आर कलर कौन आ कलर हो ग्रीन वर्णक आ कलर कौन ग्रीन देखिथ गछर पत्र ग्रीन कलर था से ग्रीन कलर केमती होती हरितलवक द्वारा होता है आते सूर्यालोक से ही हरितलवक पड़े मानते पत्र पड़ो पत्र हरितलवक को जीव सूर्यालोक उद्भिद कौन तर चेरु अंगारका सरी खनिज लवण नहीं जल नहीं वायुमंडल अंगारकाम ग्रहण कर सब मिसिकी गच खाद्य प्रस्तुत कर खाद्य जीव कड़े से खाद्य गचर फल को जीव फल संचित हो खाद्य प्रस्तुत क्या द्वारा संभव हो हरितलवक द्वारा संभव हो मंडला समस्त चल क्यों प्राणी कोषे न थाए कोष भीति सेंट्रोजम कोष झिली रसधानी प्राणी कोषे कौटा न थाए कौन हम आंसर क्यों प्राणी कोषे न थाए ठीक आंसर कौन लगुच आंसर जीव कोष भीति ऑप्शन ए मन रख कोष भीतिटा प्राणी कोषे न थाए प्राणी कोष आमर कौन कोष झिल्ली अच्छे बाहरटा मझे न्यष्टि अच्छे न्यष्टि अनुसार कौन कोष जीवक कोष झिल्ली मैंने प्राणी कोषर बाह्यतम स्तर अच्छे कोष झिल्ली कि कोष भीति ना कोष भीति कार अच्छे उद्भिद अच्छे उद्भिद कोष आयतकार प्रकृति था मझे न्यष्टि रोचार कौन कोष जीवक तार एवं तार जो कोष झिल्ली ना कि कोष झिल्ली बाहर आउ गोटे स्तर अच्छे सी कोष भीति तो उद्भिद कोषर बाहर कोष भीति अच्छी कि प्राणी कोषर कोष भीति ना केवल कोष झिल्ली का अच्छे बाहर ठीक अच्छे तेणु ये पचार प्राणी कोषे कौड़ा ना ना कोष भीति ना क्या कोष भीति केवल उद्भिद कोषर अच्छे सेंट्रोजम तो अच्छी प्राणी कोषे आउ रसदानी भी अच्छे कोष झिल्ली अच्छी यह सब अच्छी प्राणी कोषे तो ना ही कौन कोष भीति क्यों उद्भिद कोषर न थाए क्यों उद्भिद कोषे न थाए कोष भीति कोष झिल्ली लवक सेंट्रोजम कौन हम ठीक आंसर क्यों उद्भिद कोषे न थाए करेक्ट आंसर होमर सेंट्रोजम
मन रख सेंट्रोजम ना उद्भिद कोष रे नथाय, सेंट्रोजम केवल प्राणी कोष रे थाय। ठीक से परि कोष भितिडा केवल उद्भिद कोष रे थाय, कोष भीति प्राणी कोष रे नथाय। हला तो उद्भिद रे कोष भीतर होचे, प्राणी रे सेंट्रोजम रहचे। सेंट्रोजम उद्भिद रे नाही आ प्राणी रे कोष भीति नाही, बुझल। ए प्रश्न थिला उद्भिद कोष रे कोडा नाही, त आंसर हबो सेंट्रोजम। प्रोटोप्लाज्म कहा कुने गठित, प्रोटोप्लाज्म बा जोडा हम आदि प्ररस बोली कहउछन्ति, ये काहा को नहीं गठित। कोषझिल्ली कोषभित्ति कोषजीवक न्यष्टि समस्त प्रकार लवक राजधानी लवक। ठीक आंसर कौन हम ये करेक्ट आंसर हम कोषजीवक और न्यष्टि। कोषजीवक एवं न्यष्टि को नहीं प्रोटोप्लाज्म गठित होता है, बुझल। तो प्रोटोप्लाज्म को आम आदि प्ररस कही था, मन रख जीव शरीर जीवकोषर समस्त जीवंत पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म कह जाए, समस्त जीवंत पदार्थ को आदि प्ररस मध्य कह जाए। आ प्रोटोप्लाज्म आदि प्ररस क्या को नहीं गठित, ये कोष जीवक ता सहित न्यष्टि मान को नहीं गठित होता है। परवर्ती प्रश्न, बीजाणु और नीलअर्थ शैवाल कोष को कि प्रकार कोष कहती। बीजाणु एवं नीलअर्थ शैवाल कोष को कि प्रकार कोष कहती, कौन आंसर। बीजाणु तास नीलअर्थ शैवाल कोष को कि प्रकार कोष कहती। कौन शून्यष्टीय प्राज्ञष्टीय वर्धित कोणष्टी नुहे। ठीक आंसर कौन हम बीजाणु तास नीलअर्थ शैवाल कोष को प्राज्ञष्टीय कोष कहुए, कहीं बीजाणुर न्यष्टि झिल्ली ना, नीलअर्थ शैवाल भी न्यष्टि झिल्ली ना, से प्राज्ञष्टीय कोष बोली कहुए। मनला समस्त ऑप्शन बी हम ठीक आंसर। तापर कोषर जीवंत पदार्थ किए, ए टे तुम कही जीवकोषर समस्त जीवंत पदार्थ को कौन कहा जाए, कहुए कौन ए बी सी डी। आंसर कौन हम ऑप्शन ए हम आदि प्ररस बा प्रोटोप्लाज्म कहा जाए। आ क्या नहीं या कोष जीवक ता सहित नष्टि को नहीं आदि प्ररस या है। तेणु जीवकोषर समस्त जीवंत पदार्थ को कहा जाए आदि प्ररस बा प्रोटोप्लाज्म। कोषर गुणसूत्र कौन बहन करी, गुणसूत्र कौन बहन कर, कौन आंसर लवक रसधानी गुणपिंड निन्यष्टि। आंसर हम ऑप्शन सी गुणपिंड बा जीन। हला गुणसूत्र कौन कर, से बहन कर पितामाता ठार से गुणसूत्र द्वारा जीन गुड़िक बा गुणपिंड गुड़िक बहन होता है, संतान को आसी थाए, बुझल। तो गुणसूत्र कौन बहन कर, गुणपिंड बहन कर, जी जीन ऑप्शन था तुम जीन बोली लिखि था। कोषजीवक नष्टि मध्य विभिन्न पदार्थ आदान प्रदान करे किए साय कै, कोषजीवक और नष्टि मध्य विभिन्न पदार्थ आदान प्रदान करे किए साय कै, नष्टि झिल्ली कोष भीति प्लाज्मा झिल्ली रसधानी। ठीक आंसर कौन हम, कोषजीवक और नष्टि मध्य विभिन्न पदार्थर आदान प्रदान करे किए साय कै, आंसर कौन हम। देख यूच आमर कोष झिल्ली, ये नष्टि, यहाँ आम कौन अच्छे नष्टि झिल्लीटा, तो ये आम कौन कोष जीवक आध्यांश कौन पूरा नष्टिटा। तेनाली कोष जीवक जब नष्टि भितर जिनस तो क्या देखा आम नष्टि झिल्ली देखी जीव, नष्टि झिल्ला गोटे पर दाड़ा ना, तो नष्टि झिल्ली छिद्र से नष्टि झिल्ली देखी से कौन कर, से पदार्थ गुड़िक नष्टि भितर को जीव। तो आंसर कौन हम नष्टि झिल्ली है, कोष जीवक और नष्टि मध्य विभिन्न पदार्थ आदान प्रदान करे नष्टि झिल्ली साय करता है। ये आम कौन ना नष्टिटा, यहाँ कोष जीवकड़ा, तो कोष जीवक ये नष्टिटा ए भितर केमी आसव, कोष झिल्ली देखी जीव ना, तो आंसर हम सरी नष्टि झिल्ली देखी जीव ना, तो नष्टि झिल्ली आम झिल्ली दीटा अच्छे गोटे कोष झिल्ली आ गए सरी हाँ कोष झिल्ली आ गए नष्टि झिल्ली पूरा बड़ा अच्छे कोष झिल्ली आ नष्टि बाहर अच्छे से नष्टि झिल्ली मन रहा ना। चल कोड़ेटा नंबर सरला, ये आम टे स्पीड बढ़ेगा कहीं आहरी तुम पाखे चालीसटा प्रश्न अच्छे, तेनाली स्लो गले सर चल ए स्पीड बढ़ेगा तुम मैंने फटाफट आंसर दब है लेट करें। जो आम टेलीग्राम चैनल तुम्हें जॉइन कर जाकि जॉइन कर नब, मु डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक देती, से लिंक रे क्लिक कर जॉइन कर। डिस्क्रिप्शन में मु एनएमएस 2022 कोर्स विषय में मध्य लिंक देती, किपल तुम्हें जॉइन कर से लिंक भी देती, तुम्हें जाकि देखिपार बुझिपार। चलो स्टार्ट करवा नंबर 21, कोष झिल्ली और नष्टि मध्य झिल्ली पर पदार्थ जो थे कोष संख्या देखा जाए नाम कौन।
जेलीपरी पदार्थर आता कौन कह जाए माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम कोष जीवक लवक ठीक आंसर हो कोष जीवक कही टी के तुमको कि कोष झिली नष्टि ये जो जेली भाई पदार्थ अच्छी अर्धतरल पदार्थ से कोष जीवक तो आंसर हम ऑप्शन सी। नेक्स्ट स्पीड बढ़ टे जल्दी समस्त उत्तर दि उद्भिदर कोष भितर के कार्य नुहे उद्भिद कोष भितर के कार्य नुहे यह कोष झिली को सुरक्षा प्रदान कै ना उद्भिद को आकृति प्रदान कै ना वायुमंडल तापमात्रा पवन भाग अत्यंत प्रतिहत कै ना कोष पृष्ठ संश्लेषण कै ठीक आंसर कौन हम उद्भिदर कोष भित्ति के कार्य नुहे कही कौ कार्य से करूनि से कोष भित्ति आंसर कौन हम जल्दी यस स्पीड अप आंसर हम कोष से पुष्टिसार संश्लेषण करवा ये कम कोष भित्ति करूनि बाकी तीन टा कम करुच कोष भित्ति है मन रखीदेव चलो नेक्स्ट जिनस कोष से पुष्टिसार संश्लेषण कोष भित्ति करूनि है अलग अंगी कर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम से पर पड़े नवम श्रेणी पड़ा जीवकोष किए आविष्कार करते रॉबर्ट हुक लीवेनहॉक गैलीलियो ओम ठीक आंसर कौन हम जीवकोष किए आविष्कार करते आंसर है ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक 1665 मसीह कुकुड़ा अंडा केतोटी जीवकोष ने गठित कुकुड़ा अंडा जो देखुच से केतोटी जीवकोष ने गठित एक दुई तीन असंख्य चार पाँच कौन आंसर मत कह आंसर अफ ऑप्शन बी माने एकटी कुकुड़ा अंडा ना पूरा गोटे कोष नहीं गठित से एक कोष हेल्ले भी आमको आखिरी देखा जाए क्यों जीवर निर्दिष्ट आकृति न थाए क्यों जीवर निर्दिष्ट आकृति न थाए हाइड्रा ओबेलिया एमिबा प्लाज्मोडियम ठीक आंसर कौन हम एमिबा एमिबार निर्दिष्ट आकार ना से मन इच्छा चाहिए जमी से शरीर को सेमती बदली पड़े केत उपादान दब के करदेव है केतम करदे आकार मन इच्छा से आकार द्वारा बदली पार सी एमिबा एमिबार निर्दिष्ट आकृति न थाए है स्पीड बढ़ा पे आउट स्पीड है जोस बढ़े स्पीड स्पीड आंसर दे चल अलर्ट कल हमें नेक्स्ट एमिबार या प्रबर्धक कौन कह जाए एमिबार जो प्रबर्ध अच्छे कौन बोली कहुए आंसर कौन हम एम जो प्रबर्ध शरीर बाहर जमी पाद परीक्षा बाहर से कौन बोली कहुए तार कूट पाद ये पढ़े थी फास्ट क्वेश्चन थी एटा आंसर हम कूट पाद मनुष्य रक्त क्यों कोषटी तार आकृति परिवर्तन करें मनुष्य रक्त क्यों कोष तार आकृति परिवर्तन करदेव से कर डब्ल्यूबीसी आरबीसी अणुचक्रिका रुधिर प्रोलेस ठीक आंसर कौन हम ऑप्शन ए डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका व्हाइट ब्लड कॉर्पसलेस बुझिपार तो डब्ल्यूबीसी कौन कर सी निज हिसाब से तार आकृति परिवर्तन कर डब्ल्यूबीसी मनुष्य पेशीकोष गुड़िक देख किपर मनुष्य पेशीकोष गुड़िक देख किपर पेशीकोष मांसपेशीकोष से कमी का बर्तुला गोलाकार दीर्घ शाखा प्रसाद ताकुड़ी पर ठीक आंसर कौन हम एटा हम ताकुड़ी सदृश है एमती एमती हम बुझल पेशीकोष गुड़ी सब एमती था प्रकार ताकुड़ी सदृश थी ओके स्नायुकोष गुड़िक देख किपर ताकुड़ी दीर्घ शाखा प्रशाखाजुक्त बर्तुलाकार गोलाकार ठीक आंसर कौन हम स्नायुकोष किपर देखा जाए आंसर हम ऑप्शन बी दीर्घ एवं शाखा प्रशाखाजुक्त होता है स्नायुकोष गुड़िक क्यों कोष से कोष भित्ति अच्छी निम्नस्थ क्यों कोष से कोष भित्ति अच्छी कोष भित्ति ए भितर कौट तुम्हें जान कोष भित्ति उद्भिदर अच्छी तासत आउ कार कोष भित्ति आंसर कौन हम आंसर हम बीजाणु कोष ऑप्शन सी है बीजाणुर कोष भित्ति अच्छी मन रखित एटा निम्न कोष मध्य क्षुद्रतम कोष किए मनुष्य कोष उद्भिद कोष बीजाणु कोष अटोपक्ष अंडा ये सब सब क्षुद्रतम कोष हूँ बीजाणु कोष आंसर हम 31 नंबर ऑप्शन सी बीजाणु कोष सब छोट ताक खाली लिखे देखिपर ना निम्न कोष मध्य बृहत्तम कोषटी किए सब बड़ कोष कौड़ा मनुष्य कोष उद्भिद कोष बीजाणु कोष अटोपक्ष अंडा ठीक आंसर हम अटोपक्षी अंडा ये सब बृहत्तम कोष तो पे आसंता पे आम जो डिस्कसन करवा प्राणी को प्रजनन मैंने आर ठीक पर पाठार क्वेश्चन से प्राक्ट करवा तेना समस्ते से पाठ भल पढ़ी थोड़ा क्लास हम रात 9 बेले तुम जमी फटाफट आंसर देव ओके कुकुड़ा अंडार धला तरल पदार्थटी कौन कुकुड़ा अंडार धला तरल पदार्थटी कौन कौन हम जीवकोष कोष भित्ति आलबुमिन पीतक ठीक आंसर कौन हम धला कुकुड़ा अंडार धला पदार्थ अच्छे ना कहे आलबुमिन आउ तार हलदिया अंश कौन कह कुकुड़ा अंडार हलदिया अंश कौन कहुए पीतक कहुए बुझल कुकुड़ा अंडार धला अंश को आलबुमिन आउ कुकुड़ा अंडार हलदिया अंश कौन बोली कहुए पीतक बोली कहुए ओके बुझल समस्ते चल देखी ना एटा कुकुड़ा अंडा मझे अच्छे केशर ताक कौन पीतक बोली कहुए आ धला अंश अच्छे से कौन आलबुमिन ठीक अच्छे तापर वंशगतिर एकक कि वंशगतिर एकक जोड़ा कि पूरा स्थानांतरण नहीं आसूँ पितामाता पुत्र सन्तान को आस्ता पुत्र कन्या सन्तान आस जीन आ जीन बा गुणपिंड किए बहन करुच्छी
गुणसूत्र बहन करोटी एक प्राक्नेष्ट्य कोष क्योंटी एक प्राक्नेष्ट्य प्राक्नेष्ट्य मैंने कौन कहली जार न्यष्टि झिली ना सी जो प्राक्नेष्ट्य आंसर कौन हाँ किए प्राक्नेष्ट्य बीजाणुकोष गोटे प्राक्नेष्ट्य कोष क्योंटी एक शून्यष्ट्य कोष क्योंटे सुनिष्ट्य मैंने जार कि न्यष्टि झिली अच्छी बीजाणु नीलत शैवाल प्राणीकोष बीजाणु नीलत शैवाल आंसर प्राणीकोष प्राणीकोष गोटे शून्यष्ट्य प्राणीकोष में न्यष्टि झिली अच्छी कितने बीजाणुर ना नीलत शैवाल ना एम ना आंसर हम कौन प्राणीकोष ऑप्शन सी हो ठीक आंसर स्पीड अप आर स्पीड आंसर दियो न्यष्टि मध्य गोलाकार अंश को कौन कहुए न्यष्टि धानी न्यष्टि झिली न्यष्टि रस निन्यष्टि आंसर कौन हम न्यष्टि मध्य जो गोलाकार अंश अच्छी कौन बोली कहुए कहुए निन्यष्टि बुझ ये कोष झिली ये हूँ न्यष्टि न्यष्टि भितर आउ गोटे छोट अंश अच्छी कहुए कौन निन्यष्टि बोली कहुए बुझल कोष झिली ये जो अंशा से कौन कोष जीवक तापर यहाँ आम कौन पड़ा जो न्यष्टि झिल्ला न्यष्टिला जो मझेरी जी अच्छी कहुए निन्यष्टि सब सान से कौन निन्यष्टि कोष झिली क्यों उक्ति ठीक अटे कोष झिली क्यों उक्ति ठीक कोष झिली छिद्रजुक्त कोष झिली कोष भितर को बाहर के विभिन्न पदार्थ आदान प्रदान कर साहय कै केवल प्राणी कोष कोष झिली अच्छी कोष झिली कोष जीव को आवृत कर रखी थाए कौटा ठीक बोली कही भितर एक्चुअली कौन है ना यहाँ कौटा भूल बोली कह कथा ना प्रश्न भूल अच्छी कोष झिली क्यों उक्ति ठीक नुहे है क्यों उक्ति ठीक नुहे कौटा ठीक नुहे को तीनटा ठीक अच्छे गोटे भूल अच्छी तो आंसर कौन हम तो कोष झिली छिद्र जो ठीक अच्छे कोष झिली टी टी छोट छोट कण अच्छे कोष झिली कोष भितर को बाहर को विभिन्न पदार्थ आदान प्रदान कर साहय कै यहाँ भी ठीक अच्छे कोष बाहर कोष भितर कि जिनस पत्र ने हम क्या द्वारा हम ना कोष झिली द्वारा हम आ कोष झिली कोष जीव को आवृत रखे यहाँ भी ठीक अच्छे कोष जीव को कोष झिली घोड़ी रखुचे केवल प्राणी कोष कोष झिली अच्छी यहाँ गोटे भूल कहीं कोष झिली उद्भिद कोष भी अच्छी मनुष्य लोहित रक्त कणिकार आकार किपर मनुष्य लोहित रक्त कणिका आकार किपर बर्तुलाकार ताकुड़ी दीर्घ शाखा प्रसार लंबाकार ठीक आंसर कौन हम लोहित रक्त कणिका गोटे गोल लोहित रक्त कणिका कौन कह आरबीसी बोली कहुए आरबीसी मैं कौन रेड ब्लड कॉर्पसलेस है आरबीसी बोली कहुए तो लोहित रक्त कणिका बर्तुलाकार मैंने पूरा गोल होता है से नेक्स्ट जड़े मध्यवयस्क व्यक्ति प्राय के किग्रा ओजन मृत चर्म अच्छी मध्यवयस्क व्यक्ति केग्रा ओजन मृत चर्म अच्छी आंसर कौन हम आंसर हम दुई के जी मृत चर्म अच्छे एम्बा सर में कतोटी जीवकोष थाए एम्बा सर में कतोटी जीवकोष मैंने एम्बा सर कतोटी कोष नहीं तो प्रथम कहते हैं एम्बा एक कोशी मैंने केवल गोटे कोष को नहीं एम्बार सर या क्यों कोष गुड़िक दीर्घाकार और शाखा प्रसाद युक्त क्यों कोष दीर्घ ए शाखा प्रसाद युक्त मैंने सब बड़ आखा प्रसाद युक्त आंसर कौन हम स्नायुकोष स्नायुकोष एम थी है ए प्रकार थी तलेम थी स्नायुकोष ठीक अच्छे तापर देख प्राणीकोषर बाहर आवरण कौन कह जाए प्राणीकोषर बाहर आवरण को कौन कह जाए कोष भित्ति कोष झिली न्यष्टि झिली रसदानी ठीक आंसर कौन हम प्राणीकोषर जो बाहर आवरण कहुए कोष झिली कि उद्भिद कोष पचारा तुम कौन लिख कोष भित्ति लिख कि प्राणीकोषर कोष झिली सब बाहर अच्छे क्योंकि भूल जो कोष न्यष्टि न्यष्टि झिली आवृत ता सुनिष्ट्य कोष बीजाणु कोष प्राक्नेष्ट्य कोष न्यष्टि कोष विभिन्न कार्य नियंत्रण केन्द्र कोष झिली न्यष्टि मध्य पदार्थ को निन्यष्टि कहुए कौन कह कौटा भूल बोली कही आंसर कौन हम जल्दी कह ऑप्शन डी हम भूल आंसर कौन कही ना कोष झिली और न्यष्टि मध्य पदार्थ को निन्यष्टि कहुए नाई यहाँ भूल अच्छी कोष झिली और न्यष्टि मध्य पदार्थ अच्छी कोष जीवक बोली कहुए ये कोष झिली ये आम न्यष्टिटा पूरा तो मझे जो अंश अच्छी कौन कोष जीवक कहुए कि कौन कह सी निन्यष्टि बोली कही भूल निन्यष्टि कौट अच्छी निन्यष्टा न्यष्टि पूरा मझे अच्छे पूरा न्यष्टि मझे निन्यष्टि अच्छे है आकार परिवर्तन करथिबा जीवकोषर नाम कौन क्यों जीवकोष निजर आकार परिवर्तन करि पारे आंसर कौन हम निज आकार से परिवर्तन करि पारिबो सेव स्वेत रक्त कणिका तो पढ़ी टिके तले ए नामटा रिपीट होती स्वेत रक्त कणिका जहाँ कहते कौन डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसलेस है से कौन कर आकार को बदल पाए क्योंटी गोटे शून्यष्ट्य कोष शून्यष्ट्य मान कौन जार न्यष्टि झिल्ली अच्छी तो ये भितर कौटा पिज कोष लाक्टोबासिलस आजाटोबैक्टर नीलरक्त शैवाल ठीक आंसर कौन हम करेक्ट आंसर हम तुमको ऑप्शन डी पिज कोष हो गोटे शून्यष्ट्य पिज कोष में न्यष्टि झिल्ली अच्छी भूल उक्ति बाछ प्लाज्मा झिल्ली छिद्रजुक्त कोषर आयतन तार कार्य सह संपर्कित नुहे बैक्टेरिया कोषर न्यष्टि झिल्ली न थाए प्राणी कोष थी रसदानी उद्भिद कोष थी रसदानी क्षुद्रतर ठीक अच्छे कौटा भूल
आंसर हम ऑप्शन बी कोशर आयतन तार कार्य सह संपर्कित नुहे है कोशर आयतन नहीं तार कार्य किसी लिंक है ना कोशर आयतन को कार्य किसी लिंक ना मैंने छोट कोशर छोट आयतन या कोश जो कम कर बड़ कोश आयतन भी से कम कर आयतन कार्य किसी भी संपर्क ना है सर 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 ये कौन कही कोशर आयतन यहाँ ठीक अच्छे से कहते कौटा भूल बोली कही प्लाज्मा झिली छिद्रजुक्त प्लाज्मा झिली मैंने आम जो प्लाज्मा झिलीटा अच्छे से छिद्रुत मानक झिली गुड़ी प्राय छिद्रुत रोचे ठीक अच्छे ना बैक्टेरिया कोशर नेक्स्ट झील नाथ भी ठीक अच्छे प्राणी कोश थे राजधानी उद्भिद कोश थे राजधानी क्षुद्रतर यहाँ भी ठीक अच्छे है प्राणी कोश राजधानी उद्भिद क्षुद्रतर ठीक अच्छे कोशर आयतन कार्य सह संपर्कित नुहटा भूल कहीं कोशर आयतन कार्य सहित संपर्कित अटे कहीं गोटे देख तुम उदाहरण द्वारा बुझे ना आयतनटा तार कौन कार्य सहित संपर्कित अटे बहुत छोट छोट जीव अच्छा बैक्टेरिया बैक्टेरिया कोश कौन आयतन बहुत सान ना बहुत सान अटे ना कि उटपक्षी ना से बहुत बड़ तो ये जो कम कर कम कि ना कम तो अलग है समस्त बुझा तेणु आयतन सहित ये कौन कह संपर्कित नुह कह संपर्कित अटे आयतन अनुसार कोशर काम अलग अलग हम है चल क्यों कितनी भूल उनचास नंबर प्राणी कोश कोश कि नए प्राणी कोश लवक न था प्राणी कोश राजधानी भूल था उद्भिद कोश निर्णय थाए भूल कौटा हम आंसर कौन हम भूल कौटा ना प्राणी कोश रसधानी बृहताकार बोली कहे भूल कहीं रसधानी उद्भिदर अच्छे प्राणी अच्छे कितु उद्भिदर रसदानी बहुत बड़ बृहत्कार प्राणी रसदानी छोट अटे तेनाली आंसर कौन हम उद्भिद कोश रसधानी बृहताकार है प्रकृति में देखा बृहतम कोशी किए यहाँ रिपीट क्वेश्चनटा तो मुझे जो पढ़ी थी प्रकृति में देखा बृहतम कोश सब बड़ कोश कौटा सब बड़ कोश हूँ ओट पक्षी अंडा क्यों ठीक पेशीय कोश गुड़ शाखा प्रसाद विशिष्ट जीवंत कोश आदि प्रश रस्तर गठित सीजाउंडार धला पदार्थ पीतक गोटे जीवर जीवंत मौलिक कहे अंग प्रत्यंग कहे कौटा ठीक बोली कहे ठीक कौटा ना जीवंत कोश आदि प्रश द्वारा गठित यहाँ ठीक अच्छे है तो मुझे कही गोटे कोश भितर सब जीवंत पदार्थ कौन कहुए आदि प्रश कहुए तो यहाँ कम ठीक हम ये कहे पेशीय कोश शाखा प्रसाद विशिष्ट ना भूल कहीं पेशीय कोशा ताकुड़ी शब्द से रही है शाखा प्रसाद किए शाखा प्रसाद स्नायु सीजा अंडार धला पदार्थ पीतक ना सीजा अंडार धला पदार्थ आल्बुमिन कहुए गोटे जीवंत जीवर जीवंत मौलिक कहे अंग प्रत्यक ना गोटे जीवर जीवंत मौलिक कौन जीवकोश तेणु केवल ऑप्शन बी हूँ ठीक आंसर एमिबा कहा द्वारा खाद्य ग्रहण करे एमिबा कहा द्वारा खाद्य ग्रहण करा भी तुम रिपीट होती क्वेश्चनटा पढ़े थी ये क्वेश्चन कहीं रिपीट हो जानते ना बहुत इंपोर्टां से प्रश्न गुड़क बारंबार पचार तो मत को एमिबा कहा द्वारा खाद्य ग्रहण करे एमिबा तार कूटपाद द्वारा खाद्य ग्रहण करे ठीक अच्छे कहा द्वारा चलप्रचल करे कूटपाद द्वारा कहा द्वारा खाद्य ग्रहण करे कूटपाद द्वारा ओके आंसर हम ऑप्शन ए नेक्स्ट आम सात नंबर है समरूपी कोश गुड़िकर समारोह कौन कहुए समरूप मानने सामान सामान कोश हो सामान रूप हो कोश गुड़िकर समारोह कौन बोली कहुए टीस्यू अंगिका कोश जीवक लवक कौन कह ता कह टीस्यू है समरूपी कोश गुड़िक समारोह को टीस्यू बोली कहुए ठीक अच्छे आ कोश को नहीं कौन टीस्यू या टीस्यू को नहीं कौन या अंग प्रत्यंग अंग प्रत्यंग या जीवंत कोशर थी समस्त पदार्थ कौन कहुए यह रिपीट हो जीवंत कोशर समस्त पदार्थ कौन कहुए कोश रस आदि प्ररस अंगिका निर्णय ठीक आंसर कौन आदि प्ररस अबता कहुए कौन प्रोटोप्लाज्म कहुए उद्भिद कोश में क्योंटी एक अतिरिक्त कोश आवरण उद्भिद कोश में क्योंटी एक अतिरिक्त कोश आवरण ठीक आंसर कौन हम उद्भिद कोश क्यों अतिरिक्त कोश आवरण ना सोच कोश भीति है पूरा बाहर कोश भीति घोड़ी रही ठीक अच्छे आंसर हम कोश भीति कोश विभाजन बेले क्यों स्पष्ट देखा जाए कोश विभाजन बेले क्यों स्पष्ट देखा जाए निन्यष्टी न्यष्टी गुणसूत्र लवक ठीक आंसर कौन हम कोश विभाजन बेले आमर गुणसूत्र गुड़िक स्पष्ट देखा मन रखित कहीं एमती प्रश्न आसो गुणसूत्र क्यों समय स्पष्ट देखा जाए तुम लिखो कोश विभाजन बेले प्रश्न आसे कोश विभाजन बेले किए स्पष्ट देखा आंसर हम गुणसूत्र बोल कि प्रश्न पचारिपे नेष्ट या सूतावली अंश कौन कहुए नेष्ट भेत सूतावली अंश सूतावली अंश अच्छे से कौन बोली कहुए जीन गुणसूत्र निन्यष्टि अन्यष्टि झील ठीक आंसर हम गुणसूत्र कहुए है गुणसूत्र गुड़िक सब सूतावली थी एम थी गुणसूत्र गुड़िक सूतावली रही है नेष्ट या गोलाकार अंगीकार नाम कौन नेष्ट या गोलाकार अंगीकार नाम कौन निन्यष्टि रसधानी गलजीपिंड लवक ठीक आंसर कौन हम नेष्टि भितर जो गोलाकार अंग रही कौन कहुए नेष्टि भितर अच्छे से निन्यष्टि कोश झिली है नेष्टि नेष्टि भितर जो अच्छे से कौन निन्यष्टि
କେଉଁଠି ଜୀବକୋଷର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ କି ମୁଣ୍ଡ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଜୀବକୋଷର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ନ୍ୟଷ୍ଟି। ନ୍ୟଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ପୁରା କୋଷକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। 1 μ କେତେ ମିଟର ଏଇଟା ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିବିନି, ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ତୁମମାନେ ଜଣେଇବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଏତିକି ସମାପ୍ତ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି କି ଆମର ମାଇ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନରେ NMS ର କୋର୍ସ ଆସିଛି। ସେ କୋର୍ସରେ ତୁମମାନେ ସବୁ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ, ସେଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ NMS ଏକ୍ଜାମରେ ଟପର୍ ହେବାକୁ ହେଲେ ଯାହା ଦରକାର ତୁମକୁ ସେମିତି ସେଠି ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର କରିବି। ମୋର ପର୍ସନାଲ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ତୁମ ସହ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼େଇବି। ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୋଟେ ରହିବ, ହେଲା, ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିଥିବି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବି ଥିବେ, ସେ ତୁମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବ। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବ, ତା ପରଫରମାନ୍ସ ତୁମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ, ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଯିବ, ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ତୁମକୁ ନେକ୍ସଟ ମିଲ୍ କୁହାଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ସବୁକିଛି ତୁମକୁ ମିଳିବ, ତା ସହିତ ତୁମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ PDF କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବି ତୁମକୁ PDF ଫର୍ମାଟ୍ରେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସବୁ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ NMS କୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି, ସେ କୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ କର। ତା ସହ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ବି ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି, ସେଠି ବି ତୁମେ ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ 60 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇବ। ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।